वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे मैथ का चैप्टर फर्स्ट जो कि है इंटीजर। पर चैप्टर शुरू करने से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि इंटीजर क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, पहले हम वो यानी कि बेसिक्स सीखेंगे। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले हमारा है नेचुरल नंबर, जिसे हम बोलते हैं प्राकृतिक नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे? नेचुरल नंबर होते हैं हमारे वो नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। ये जो साइन है किसका साइन है? वो इन्फिनिटी यानी कि अनंत। हमें लास्ट नहीं पता कि लास्ट कहां तक, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? इन्फिनिटी, और ये उसका साइन है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? वो सारे नंबर, पर कौन से? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, सारे पॉजिटिव नंबर्स। तो वो क्या होते हैं हमारे? नेचुरल नंबर्स, जो स्टार्ट होते हैं कहां से? वन से, और एंड हमें नहीं पता, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? इन्फिनिटी। उसके बाद सेकंड हमारा होल नंबर। होल नंबर के हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पर वो स्टार्ट कहां से होते हैं? वो वन से नहीं होते, वो होते हैं जीरो से। ऑल पॉजिटिव नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, और एंड कहां पर? एंड के लिए यूज करते हैं इन्फिनिटी, यानी कि जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जो नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या हैं? सारे होल नंबर्स। थर्ड है हमारा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में जो नंबर्स आते हैं वो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से नंबर आते हैं। तो ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूड जीरो की पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं हमारे, पर जीरो भी इंटीजर्स में ही आता है। ठीक है, तो पहले ही आपके नंबर्स है कौन कौन से? नेचुरल नंबर्स जो कि वन से स्टार्ट होते हैं इनफिनिटी तक, पर सिर्फ कौन से? पॉजिटिव नंबर्स। सेकंड है होल नंबर्स जो कि स्टार्ट होते हैं जीरो से इनफिनिटी, और वो भी पॉजिटिव नंबर्स। और इंटीजर्स में आपके आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के नंबर्स आते हैं, और कहां तक? जीरो तक, जैसे माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री, इस तरीके से माइनस टू माइनस वन जीरो, और फिर पॉजिटिव वन टू थ्री। तो ये होते हैं हमारे। और जो इंटीजर्स का जो सेट होता है उसे हम डिनोट करते हैं इट इज डिनोटेड बाय जेड। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। चलिए इसके बाद अब हम सीखेंगे इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, कि जो इंटीजर्स होते हैं इनकी प्लस की वैल्यू और जो माइनस की वैल्यू होती है वो एक नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। तो आपको दिख रहा है एक लाइन राइट साइड पर ली हुई है, तो दूसरी लेफ्ट में। यहाँ पर आपका नंबर है जीरो, तो जीरो के बाद तो हम बोलेंगे कि जीरो से राइट साइड, यानी कि जो नंबर जीरो से राइट साइड में मूव करते हैं वो कौन से हमारे? पॉजिटिव इंटीजर्स। कि जितने भी नंबर्स होंगे जो कि जीरो के बाद राइट साइड में मूव करेंगे, वन टू थ्री
अब बात करते हैं नेगेटिव्स की, तो नेगेटिव्स क्या होते हैं, जीरो से मूव करते हैं किस तरफ, लेफ्ट में, तो जीरो से लेफ्ट साइड में मूव करते हैं, यानी कि इस तरफ। तो इस तरफ जो नंबर होते हैं वो हमारे कौन से हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, तो ये सब हमारे क्या हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। तो बच्चों याद रखो कि जो आपका सेंटर है जीरो, जीरो से जो राइट साइड में मूव है वो सब हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, और जीरो से जो लेफ्ट साइड में मूव है वो हमारे क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसी तरह से हम इंटीजर्स को लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि लाइन पर मार्क करते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। उससे पहले एक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस, यानी कि बच्चे क्या करते हैं, साइंस में बहुत गलती करते हैं, साइंस यानी कि आप वो नहीं साइंस, साइन जो निशान होते हैं प्लस माइनस, तो उन्हें पहले आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको दो पॉजिटिव साइन दिए गए हैं तो आपका कौन सा साइन बनेगा, अगर आपको दो नेगेटिव साइन दिए गए हैं तब आपका कौन सा साइन बनेगा, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन एक साथ दिए हैं तब कौन सा साइन बनेगा, और आपको पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव दिए हैं तब कौन सा बनेगा। तो फर्स्ट आपके पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, यहाँ पर आपको दो पॉजिटिव साइन दिए हुए हैं, तो दो पॉजिटिव साइन जब होते हैं एक साथ तो वो क्या बनते हैं, पॉजिटिव साइन बनता है। तो दो पॉजिटिव साइन मिलकर क्या बनते हैं, पॉजिटिव। नेक्स्ट नेगेटिव साइन, कि दो नेगेटिव साइन क्या बनते हैं, तो दो नेगेटिव साइन मिलकर पॉजिटिव साइन बनते हैं। तो आप बोल सकते हो कि अगर आपको दोनों पॉजिटिव दिए हुए तब भी आपका आंसर किसमें होगा, पॉजिटिव है, अगर आपको दोनों नेगेटिव दिए हुए तब भी आपका आंसर किसमें होगा, पॉजिटिव है। अब एक आपका साइन पॉजिटिव है और एक आपका साइन नेगेटिव है, तो तब ये क्या बनेंगे, तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन एक साथ हो तब बनता है हमारा नेगेटिव साइन। सेम इसी तरीके से पहले आपको आप नेगेटिव दिया है फिर आपको पॉजिटिव दिया है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक साथ दिए हुए तब क्या बनेगा आपका, फिर से नेगेटिव साइन बनेगा। इस तरीके से अगर दो पॉजिटिव है तो आपका आंसर पॉजिटिव, दो नेगेटिव है तब आपका आंसर नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव, वन नेगेटिव और वन पॉजिटिव तो आपका आंसर नेगेटिव। क्योंकि अगर आप इन साइंस में इन साइन में अगर आप अटक जाते हो तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको ये अगर क्लियर रहेगा कि अगर दो पॉजिटिव है तो क्या बन रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव एक हर दो साइन आए हैं तब क्या बन रहा है, आप क्वेश्चंस आगे अच्छे से कर पाओ। नेक्स्ट पेज के बाद रूल्स टू मूव और नंबर लाइंस, कि यहाँ पर आपको कुछ रूल्स है जो कि आपकी हेल्प करेंगे इस चीज में कि नंबर जो होते हैं उन्हें लाइन पर रिप्रेजेंट किस तरीके से करोगे ताकि आप गलतियां ना करो। तो फर्स्ट रूल क्या है, इफ वी ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम क्या ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर रहे हैं, वी गो टू राइट साइड, यानी कि हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, राइट साइड पे। देखिए कैसे, 4 + 2 क्या होगा आपका आंसर, 6। अब इसे आप लाइन पर कैसे करोगे, सबसे पहले कौन आपका 4, तो आप 4 पर एक साइन बनाइए, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर आप पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर रहे हैं तो आपको किस तरफ मूव करना है, राइट, तो आपको राइट हैंड साइड मूव करना है, कितने स्टेप है, 2 स्टेप, यहां से 1 2 करना है।
ये तो थे आपके दोनों प्लस प्लस के, यानी दोनों पॉजिटिव नंबर से। अब देखो एक आपका नंबर है नेगेटिव और उसमें आप क्या ऐड कर रहे हो पॉजिटिव, तब किस तरह मूव करेगा। पहले आपको बताया गया कि आप पॉजिटिव इंटीजर जब ऐड करोगे तो आपको किस तरफ जाना है राइट साइड में, तो पहले आप किससे लेकर सीधा लाइन लाइन से सॉल्व करेंगे। एक सेकेंड ये मैंने नंबर्स मार्क कर दिए इस पर लाइन पर। पहले क्या आपका माइनस सिक्स, तो माइनस सिक्स पर आप यहां पर हो क्या कर रहे हो प्लस टू, तो जब प्लस करना है तो किस तरफ मूव करना है राइट साइड, तो टू सेट कीजिए वन टू, तो कहां पर पहुंचे आप माइनस फोर, तो आपका आंसर जो होगा वो भी क्या होगा माइनस। तो इस तरीके से आप लाइन की मदद से भी अपने आंसर निकाल सकते हो और आंसर की मदद से भी आप अपनी लाइन बना सकते हो, यानी दोनों एक दूसरे के हेल्प से आप कर सकते हो। नेक्स्ट इफ वी एड नेगेटिव इंटीजर, हमने क्या ऐड किया अब नेगेटिव इंटीजर ऐड किया, तब हम किस तरह मूव करेंगे वी गो टू लेफ्ट साइड, तब हमें किस तरफ जाना है लेफ्ट साइड में। जब हमने पॉजिटिव इंटीजर ऐड किया तो हमने राइट साइड में मूव किया, जब हमने नेगेटिव इंटीजर ऐड किया तो हमें किस तरफ मूव करना है लेफ्ट में। देखते हैं सिक्स प्लस क्या ऐड किया ऐड करना आपको माइनस थ्री, यानी कि माइनस थ्री कैसे है एक नेगेटिव का है तो सिक्स यहां है हमारा सिक्स। क्या बताया मैंने आपको कि किस तरफ मूव करना आपको लेफ्ट, तो लेफ्ट में कितने स्टेप है थ्री स्टेप्स वन टू थ्री, आप कहां पर पहुंचे थ्री पर, और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तब भी सिक्स प्लस और माइनस क्या बनेंगे आपके माइनस थ्री, और सिक्स में थ्री माइनस गए तो थ्री, तो सेम आंसर अंदर ही आए और सेम आपने उसे लाइन पर भी रिप्रेजेंट किया है। ठीक है नेक्स्ट इसी में सेकंड है क्या करना है आपको नेगेटिव अगर इंटीजर ऐड कर रहे हो तो आपको किस तरफ मूव करना है लेफ्ट साइड में। देखिए क्या है पहले आपका माइनस टू, माइनस टू है उसके बाद इसके अंदर आप ऐड कर रहे हो कितना माइनस थ्री, तो आपको किस तरफ मूव करना है लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में थ्री सेट कीजिए वन टू थ्री, तो हमारा आंसर क्या आया माइनस फाइव। तो अब इसे देखिए कैसे माइनस टू प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस थ्री, तो दोनों माइनस माइनस किए तो इन्हें ऐड करेंगे और साइन किसका रहेगा माइनस का, तो माइनस टू और माइनस थ्री कितना आंसर आया हमारा माइनस फाइव। वो सेम चीजें हमने अगर लाइन पर भी प्रेजेंट की थी तब हम कहां पर पहुंचे थे माइनस फाइव। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड इफ वी सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर वी गो टू लेफ्ट साइड, अगर आप क्या कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इस टाइम पे, इससे पहले आप कहते ऐड के, अब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इसे एक इंटीजर को, तब आपको किस तरफ मूव करना है लेफ्ट साइड, समझना बच्चों 5 माइनस 2 तो कहां है आपका 5 यहां पर आपका 5 है, सब्ट्रैक्ट करने पर किस तरफ हुआ आपका लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में कितने स्टेप है 2 1 2 यहां पर पहुंचे हम 3 पर, और अगर मैं इसे करूंगा 5 माइनस 2 तो कितना आंसर हमारा 3, तो दोनों तरीके से हमने अपना आंसर क्या निकाला 3। इसके बाद नेक्स्ट है इफ वी सब्ट्रैक्ट, वी सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर, फिर से क्या है आपका एक सब्ट्रैक्ट का है कैसे
इसका नेगेटिव इंटीजर। वी गो टू राइट राइट साइड, हम किस तरफ मूव कर रहे हैं? राइट साइड। कब? जब हम एक नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए फाइव है यहां, फाइव आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। किसे सब्ट्रैक्ट करना है? नेगेटिव इंटीजर को ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो किस तरफ मूव करना है? राइट साइड। तो टू स्टेप, वन टू, अंत कितना आया? सेवन। अब इसे देखिए फाइव माइनस और माइनस क्या थे? यस प्लस, उसके बाद टू, फाइव प्लस टू आंसर इज सेवन। तो दोनों तरीके से हमारा आंसर कितना आया? सेवन। इसी में नेक्स्ट है माइनस की वैल्यू के अंदर आप माइनस की वैल्यू माइनस कर रहे हैं, तब आपको क्या करना है? कुछ नहीं, सिर्फ रूल याद रखिए कि क्या था, कि जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नेगेटिव इंटीजर तो हमें किस तरफ मूव करना है? राइट साइड। सबसे पहले क्या है? सिक्स, माइनस का सिक्स हमारे यहां पर है, इसमें क्या माइनस कर रहा? टेन। तो टेन स्टेप कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, कहां पर पहुंचे हम? फोर पर। और वैसे अगर आप देखो तो माइनस सिक्स, माइनस और माइनस कितना होता है? माइनस माइनस प्लस, प्लस टेन। तो टेन में से सिक्स माइनस करेंगे तो आंसर इज फोर। प्लस का फोर या माइनस का फोर पूछो? प्लस का, क्योंकि हमारे जो प्लस की वैल्यू है वो क्या है? बड़ी है, तो आंसर क्या है हमारा? फोर। और जब हमने इसे लाइन पर रिप्रेजेंट किया तब भी हम कहां पर पहुंचे? फोर पर। तो ये है कि किस तरीके से आप अपने, अब हमें रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, कि जब हम किसी इंटीजर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है। तो फर्स्ट है क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर एडिशन। सेकेंड क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। थर्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिफ्थ एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज है, पहले हम एक एक को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लोजर अंडर एडिशन। तो क्लोजर अंडर एडिशन और जो क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन है वो दोनों सेम है। और वो दोनों क्या है कि अगर आप किसी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, अगर आप किसी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो जो आंसर है वो भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। सेम सेकंड में कि अगर आप किसी दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो आपका आंसर है वो भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। यानी कि a प्लस b इज इक्वल टू c, तो c भी क्या है? इंटीजर है। सेम a माइनस b इज इक्वल टू c, तो तब भी c क्या हमारा है? इंटीजर है। अगर मान लीजिए हम बोले 5 प्लस 4, तो 9 भी क्या है? इंटीजर है। अगर हम कहें 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 4, तो 4 भी क्या हमारा है? इंटीजर है। तो ये हमारे क्लोजर अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड क्या हमारी? सेकंड हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से हमें क्या बताती है कि अगर हम किसी दो इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, अगर हम किसी दो इंटीजर को ऐड कर रहे हैं और अगर हम उसके प्लेस को चेंज कर रहे हैं तब भी आंसर हमारा क्या रहेगा? सेम। यानी कि a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। अगर हमने किसी दो इंटीजर्स को ऐड किया है और सेकंड टाइम हम उसके प्लेस चेंज करने के बाद उन्हें ऐड कर रहे हैं तब भी आंसर हमारा क्या रहेगा? सेम। मान लीजिए अगर 4 प्लस 2, 4 हमारा a है 2 हमारा b है, तो 4 प्लस 2 B कौन है? 2। A कौन है? 4। तो 2
प्लस फोर क्या हुआ, यानी कि हमने चाइल्ड के प्लेस चेंज कर दिए फिर भी हमारा आंसर क्या है, सेम। थर्ड इसके बाद सॉरी फोर क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब क्या लगे कि यहां पर आप दो से ज्यादा तीन, यानी कि दो से ज्यादा तीन इंटीजर्स की बात करोगे कि तीन इंटीजर्स को अगर आप प्लस करते हो तो अगर आपने एक दूसरे से चेंज करके प्लस करते ना तब भी क्या रहेगा आंसर सेम। कैसे, ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैंने ए और बी के बीच में ब्रैकेट लगा दिया है, ठीक है, पहला मेरा ब्रैकेट है ए और बी के बीच में, सेम यहां पर ए प्लस बी प्लस सी, अब मेरा जो ब्रैकेट है उसके बीच में बी और सी के बीच में, तो क्या उनके जो आंसर वो सेम रहेंगे, चलिए चेक करते हैं, कोई वैल्यूज पुट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, मान लो टू प्लस थ्री प्लस फोर, ये मैंने ए की वैल्यू टू, बी की वैल्यू थ्री, सी की वैल्यू फोर, यहाँ पर रखे टू प्लस थ्री प्लस फोर, यहाँ पर बी और सी के बीच में ब्रैकेट है, तो टू और थ्री कितने हो गए, फाइव प्लस फोर है, फाइव और फोर नाइन, तो नाइन हो गया, उसके बाद टू हमारा है सिक्स प्लस थ्री और फोर कितने हो गए सेवन, टू और सेवन नाइन क्या हो गया नाइन, तो दोनों का आंसर क्या है हमारे सेम। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि अगर आप उस चीज को ऐड कर दें और आप उनके ब्रैकेट्स यानी कि दो से ज्यादा थे तो ब्रैकेट्स के बीच में थे, अगर उनके ब्रैकेट्स को आपने चेंज भी कर दिया है तब भी आंसर क्या रहेगा आपका सेम। तो 20
24. दोनों कंडीशन में हमारा जो आंसर है वो क्या है? सेम. नेक्स्ट इसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर आप किसी एक इंटीजर को किसी दो इंटीजर के सम से मल्टीप्लाई करें, जैसे मान लीजिए ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप किससे? बी और सी के सम से. ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप किससे? बी और सी के सम से. तो आंसर क्या होगा अगर आप इन्हें अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो वो सेम होगा, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी. कैसे? वैल्यू से समझते हैं. 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, यहां पर 2 मल्टीप्लाई ए बी सी, तो बी कितना है 3 प्लस ए हमारा 2 मल्टीप्लाई सी कितना है 4, तो 2 एज इट इज. ये को कितने हुए 7, तो 2 7 का 14 आंसर हमारा आया. सेकंड साइड देखते हैं, 2 3 का 6 प्लस 2 4 का 8, 8 और 6 14, तो दोनों साइड हमारा आंसर क्या आ रहा है? सेम. नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, यानी कि किसी भी इंटीजर को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर क्या रहेगा? प्लस में एज इट इज था, पर मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता कि अगर आप किसी इंटीजर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर रहेगा जीरो. ए मल्टीप्लाई जीरो इज इक्वल टू जीरो. अगर आपने ए को जीरो से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर क्या होगा आपका? जीरो ही होगा. ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी में क्या है कि अगर आप किसी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? सेम वही इंटीजर आएगा. ए मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू ए. अगर आपने 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया आंसर इज 6. तो ये थी आपकी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट इसके बाद है अब आपकी एक्सरसाइज 1.1, यानी कि अब आप यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए. तो पहले हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे आज. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? फॉलोइंग नंबर स्लाइड शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेस ऑन ए पर्टिकुलर डे. कि कोई दिन है उस दिन में ये अलग अलग स्टेट आपको दी हुई है, तो आपको अलग अलग स्टेट का क्या दिया हुआ है? टेम्परेचर. जैसे शिमला का 5, ऊटी को कैसे कहा हमने 10 के बाद 11, 12, 13, 14. तो 14 है. बैंगलोर कितना है? 21, 22. तो ये टेम्परेचर है. इस तरफ आएंगे माइनस में, तो श्रीनगर कितना है? -1, -2. लाहौल स्पीति -5 के बाद -6, -7, -8. तो ये आपको अलग अलग टेम्परेचर दिए हुए. तो इन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन दिए होने चाहिए, उन्हें सॉल्व करना है. First, observe this number line and write the temperature place mark on it. कि आपको इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है, समझना है ध्यान से, और उसके बाद आपको जो अलग अलग प्लेस के जो टेम्परेचर दिया है उसे मार्क करना है. तो यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं जिसकी एक तो हमें तो स्टेट, सेकंड साइड में टेम्परेचर. तो यानी कि ये जो वैल्यू देखो इसमें प्लस में, और जो लेफ्ट
शिमला स्टार्ट करते हैं। स्टेट के नाम पहले शिमला, शिमला का टेम्परेचर कितना है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव क्योंकि वो राइट साइड में, तो प्लस 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ऊटी, ऊटी का टेम्परेचर कितना है? 10 के बाद 11, 12, 13, 14, तो प्लस 14 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट बेंगलुरु, बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना है? 20 के बाद 21, 22, इसका प्लस का, तो प्लस 22 डिग्री सेल्सियस। अब माइनस साइड आते हैं श्रीनगर, -1, -2 डिग्री सेल्सियस। फिर लाउस, लाउस का कितना टेम्परेचर है? 5 के बाद -6, -7, -8 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ है, क्या कि हमने अलग अलग स्टेट का टेम्परेचर यहाँ पर नोट डाउन किया है। अब है सेकंड पार्ट, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। कि जो ये आपको प्लेस दिए हुए हैं इनमें हॉटेस्ट इनकी सबसे गर्म और कोल्डेस्ट इनकी सबसे ठंडे, यानी कि आपको सबसे गर्म और सबसे ठंडी जगह के जो टेम्परेचर है उनका डिफरेंस निकालना है। तो बच्चों जैसे कि जीरो है, जीरो के बाद जितना भी टेम्परेचर पॉजिटिव में जाएगा, जीरो के बाद जितना भी टेम्परेचर पॉजिटिव में जाएगा उतनी ज्यादा गर्मी होगी, और जीरो के बाद जितना भी टेम्परेचर नेगेटिव में जाएगा उतना ही ज्यादा ठंड बढ़ेगी। आपने देखा होगा अपने घरों में नॉर्मली जब आप एसी ऑन रखते हो, अगर आपका एसी का टेम्परेचर 20 है, आपको गर्मी लग रही है, तो क्या आप टेम्परेचर को बढ़ाकर 21, 22, 23 करोगे या फिर उसे घटाओगे 19, 18, 17, 16 करोगे? क्या करोगे? उसे हम टेम्परेचर को कम कर दें, क्योंकि जितना टेम्परेचर कम होगा उतना ठंडक रहेगी, इसलिए जो नेगेटिव वाले एरियाज होते हैं उनमें ठंडक रहती है। तो अब हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है? लाहौस या बेंगलुरु? बेंगलुरु, क्योंकि वो पॉजिटिव में सबसे बड़ा है। हॉटेस्ट प्लेस टेम्परेचर, कितना है बेंगलुरु का? 22 डिग्री सेल्सियस। अब किसकी बात है? कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट प्लेस टेम्परेचर, कौन है कोल्डेस्ट प्लेस? जो माइनस में रहेगा, तो वो कौन है? लाहौस, उसका टेम्परेचर कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या पता लगाना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस? सी पार्ट क्या है?
लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, कि जो लाहौल स्पीति है और जो श्रीनगर, उनके टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है? पहले टेम्परेचर लिखिए, टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति क्विज थी वो खत्म हुई, तो खत्म होने के टाइम पे जो जैक है वो
उसका टोटल स्कोर कितना था? तो 5 राउंड थे तो 5 का अलग स्कोर था। तो क्या करेंगे, पहले हम एक बार पॉजिटिव को ले लेंगे, फिर हम एक बार नेगेटिव को ले लेंगे। पॉजिटिव मार्क्स कौन कौन से हैं? 25, 15, 10, 25 तो 5, 5, 10, 0, 1, 2, 3, 5 तो 50 मार्क्स के पॉजिटिव। अब बारी नेगेटिव की, नेगेटिव मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स को जोड़ेंगे तो -5 + -10 तो -5 - -10 -15 हमारा आंसर हो गया। तो ये हमने इनको अलग अलग ऐड कर दिया, पर उन्होंने क्या पूछा है कि व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, तो उसका टोटल क्या होगा? हिज टोटल इक्वल टू 50 - 15 तो यानी कि लास्ट में उसका स्कोर है क्विज का वो कितना है? 35 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। श्रीनगर में मंडे को टेम्परेचर कितना है? -5 डिग्री सेल्सियस। देन इट ड्रॉप बाय -2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूजडे। ट्यूजडे को जो मंडे का टेम्परेचर था उससे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हुआ? ड्रॉप हुआ, यानी गिर गया, कम हो गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूजडे? तो श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो ट्यूजडे को क्या होगा? तो पहले इतना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टेम्परेचर ऑन मंडे कितना है? -5 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर क्या ट्यूजडे का? टेम्परेचर ऑन ट्यूजडे क्या हुआ है? -2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप। तो ड्रॉप बाय -2 डिग्री सेल्सियस तो ड्रॉप हुआ है कि कम हुआ है, तो माइनस करेंगे तो 5 - 2 - -5 - 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 5.7 के माइनस में। तो ट्यूजडे को जो टेम्परेचर है वो कितना है? -7 डिग्री सेल्सियस। अब आती पारी वेडनेसडे, यानी कि इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाए, ऑन वेडनेसडे इट इज रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। अब वेडनेसडे को क्या हुआ? जो टेम्परेचर था वो 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ दिस डे? दिस डे भी वेडनेसडे। अब हमें निकालना है टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे। जब जो प्लेन है और समरिन है वो दोनों इक्वल हो गए, यानी कि बिल्कुल सेम
पानी है, सी लेवल जो है उससे 1200 मीटर बिलो है, यानी कि पानी के नीचे है। जो प्लेन है पानी से ऊपर है, सबमरे पानी के नीचे। तो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमें वो पता लगाना है। अब इसमें ध्यान से देखो, जीरो है तो जीरो के बाद जितना ऊपर जाएगा तो वो पॉजिटिव है, तो यानी कि जो प्लेन है वो 5000 मीटर पॉजिटिव है और नीचे से घुमाएंगे तो नेगेटिव है, तो समरी क्या है 1200 मीटर नेगेटिव में है। एक पॉइंट आया जब दोनों बिल्कुल बराबर हो, यानी कि अगर प्लेन यहाँ पर तो समरी भी यहाँ पर अगर हम इक्वली चल रहे हैं तो वहां पर इक्वली है, तो अब हमें निकालना था डिस्टेंस। तो पहले हम लिखेंगे हाइट, दोनों के अलग अलग हाइट ऑफ प्लेन क्या है, वो सी लेवल से अबो है, इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे 5000 मीटर। सेकेंड है हाइट ऑफ बिलो लेवल ऑफ सबमरीन कितना है, नीचे है तो नेगेटिव लेंगे तो माइनस 1200 मीटर। हमें निकालना है दोनों बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 5000 माइनस और फिर जो सबमरीन का है वो माइनस में तो सब ब्रैकेट में लेंगे, तो 5000 माइनस माइनस क्या होंगे प्लस प्लस 1200 तो 6200 मीटर क्या है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। यदि प्लेन से लेकर सबमरीन जब वो दोनों इक्वल हुए हैं तब उनके बीच का डिस्टेंस टोटल कितना है 6200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मोहन डिपॉजिट 2000 इन ए बैंक अकाउंट, कि मोहन ने अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपीस डिपॉजिट किए, यानी कि जमा किए, एंड विड्रॉ हिज 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे, तो जमा करना उसमें से उसने नेक्स्ट डे क्या किया, कुछ पैसे निकाल लिए, कितने 1642 रुपीस उसने उसमें से निकाल लिए। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय मेजर इट इज हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, अगर विड्रॉल को हम नेगेटिव इंटीजर बना रहे हैं तो जब डिपॉजिट हुआ है तो उसे हम किस इंटीजर में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लीजिए हम अपने पास सेविंग कर रहे हैं तो हम अपने पैसे को सेव कर रहे हैं और सेव कर रहे तो क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं ना, एक तरह से हमारे पास वो पॉजिटिव हो गए, जब उससे हम कुछ विड्रॉ करें निकाल रहे खर्च करें तो कम हो रहे हैं तो वो क्या हो गए नेगेटिव, इसलिए हम फर्स्ट क्या था वी रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, कि जो जमा करने को हम पैसे जमा किए थे उसे डिनोट कर रहे हैं, किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर से। नेक्स्ट फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, कि जब मोहन ने उसे कुछ पैसे निकाल लिए तो उसके बाद कितना बैलेंस उसके अकाउंट में बचा, तो बैलेंस निकालेंगे बैलेंस इन मोहन अकाउंट क्या होगा
डिपॉजिट माइनस विथड्रॉ। कितने डिपॉजिट होते हैं 2000 और विड्रॉ कितने हुए 1642। तो माइनस करेंगे 358 रुपीज के अकाउंट में अब बैलेंस बच गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। रीता गोस 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू बी। ये ए पॉइंट है, यहां से रीता बी पॉइंट में गई है ईस्ट डायरेक्शन में, कितने दूर तक 20 किलोमीटर। फ्रॉम बी शी मूव 30 किलोमीटर टुवर्ड बैक अलोंग सेम रोड। जिस रोड पर वो गई है ना उसी रोड पर वो वापस आ रही है, पर पहले वो सिर्फ गई थी 20 किलोमीटर तक, अब वो आ रही है बैक में 30 किलोमीटर तक। तो 20 तो उसने कवर किया, उसके बाद आगे यहां तक आई है, मान लीजिए पॉइंट सी है, तो यहां पर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 30 किलोमीटर, क्योंकि वो गई सिर्फ 20 किलोमीटर, वापस 30 किलोमीटर तक आई। इसका डिस्टेंस टुवर्ड इज By a positive integer, कि जो east की तरफ हमने आप किससे डिनोट कर रहे हैं positive integer, then how will you represent her, sorry, how will you represent her final position from A? तो A से उसकी जो final position है वो क्या होगी? A हमारा यहाँ पर क्या है zero है। तो अगर हम east में हम अपने numbers को positive ले रहे हैं तो west में हमारे numbers क्या होंगे? Negative होंगे। तो हम इसे पूछते हैं हमारे कैसे तो यहाँ पर एक लाइन आपको, इस लाइन पर आपको उन्हें डिनोट करना है। मान लीजिए आपका जीरो है और आपका ये पॉइंट ए है, अब वो बी की तरफ मूव कर रही है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। तो ये आपके 20 हो गए। मैं फाइव फाइव मार्क कर लूँ, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। ये हमारा ईस्ट साइड है, तो वो इस 20 किलोमीटर पर बी पॉइंट पर आई है। अब वो वहां से वापस चल गई कितना 30 किलोमीटर तक। अब 20 किलोमीटर तो उसने यहां तक कवर कर ही लेगी, उसके बाद नेक्स्ट कितना किलोमीटर और आगे चल गए, नेक्स्ट वो चल रही है 10 किलोमीटर और आगे। तो हम उसे मार्क कर लें माइनस में, माइनस फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो माइनस टेन, यानी कि वो इस सी पॉइंट पर आ रही है, क्योंकि 20 किलोमीटर हमें पता है ये हमारा डिस्टेंस ऑफ कितना है 20 किलोमीटर। और जब 20 किलोमीटर उसने कर लिया उसके बाद नेक्स्ट कितना बचा 30 माइनस 20, तो 10 किलोमीटर हमारे पास और डिस्टेंस बचा। तो ये हमारा जो है कितना है 10 किलोमीटर है। तो इफ द डिस्टेंस टुवर्ड, सॉरी हाउ विल यू रिप्रेजेंट द फाइनल पोजीशन ऑफ फ्लो ए, तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या है ए पॉइंट से सी पॉइंट तक, क्या उसकी माइनस 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इफ इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, कि एक स्क्वायर है उसका नाम रखा था मैजिक स्क्वायर, और वो कब होगा मैजिक स्क्वायर, जब उसके सारी रोज सारे कॉलम और डायगोनल्स का सम अगर इक्वल है। अगर मैं इन रोज का सम, सॉरी अगर मैं इन रोज का सम कर रही हूं, फिर मैं इन कॉलम्स का सम कर रही हूं, और फिर मैं डायगोनल्स का सम कर रही हूं, तो अगर ये सारे सम इक्वल आते हैं तभी वो स्क्वायर क्या कहलाएगी, मैजिक स्क्वायर कहलाएगी। अगर उनमें से किसी एक का भी आंसर अलग आए इसका मतलब वो मैजिक स्क्वायर नहीं है।
चलिए चेक करते हैं फर्स्ट में। फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो में क्या है, 5 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 4। 5 एज इट इज प्लस माइनस माइनस 1, फिर प्लस माइनस फिर से माइनस माइनस 4, तो 5 माइनस 1 और माइनस 4 माइनस 5 क्या आया 0। सेकंड रो की बात करते हैं, सेकंड रो माइनस 5 प्लस माइनस 2 प्लस 7 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस हो गए 2 प्लस 7। तो पहले माइनस माइनस को प्लस करेंगे तो माइनस 7 प्लस 7 क्या है आंसर हमारा 0। ठीक है, तो अभी तक हमारे दो जो रोज का आंसर सेम आ रहा है। अब बात करते हैं थर्ड रो की, क्या है 0 प्लस 3 प्लस माइनस 3, तो 3 प्लस माइनस क्या होगा माइनस 3, 3 माइनस 3 0, यानी कि तीनों रो का सम तो भाई इक्वल ही आया, क्या आया 0 0। अब बात करते हैं कॉलम की, फर्स्ट कॉलम ये, तो 5 प्लस माइनस 5 प्लस 0, 5 प्लस माइनस क्या होगा माइनस 5, तो 5 माइनस 5 0, यानी कि ये भी हमारे पास 0 ही आया। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड कॉलम, सेकंड ये रहा माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस 3, माइनस 1 प्लस माइनस क्या होंगे माइनस 2, माइनस 2 प्लस 3, तो पहले माइनस माइनस को ऐड करते हैं माइनस 3 प्लस 3 आंसर इज 0। अभी तक तो भाई सब कुछ 0 ही चल रहा है, अभी बाकी है तीनों थर्ड कॉलम और दो डाई कॉलम। थर्ड कॉलम माइनस 4 प्लस 7 प्लस माइनस 8 3, माइनस 4 प्लस 7 प्लस माइनस क्या होंगे माइनस, तो माइनस 3 माइनस माइनस को ऐड कीजिए तो 4 माइनस 3 7 माइनस 8 प्लस 7 क्या आया 0, यानी कि सारे कॉलम्स का सम भी कितना आ रहा है 0। अब रह गया हमारे डायनेस, अब डायनेस करते हैं फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट डायमेंट की बात है 5 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, तो 5 प्लस माइनस क्या हो गए माइनस 2 और प्लस माइनस कितने माइनस 3, तो 5 माइनस 4 3 5 0, यानी कि इसका भी आंसर कितना है 0 है। अब है सेकंड डायमेंट की बात, ये वाला तो 0 प्लस में माइनस 2 प्लस में माइनस 4, 0 प्लस माइनस क्या होंगे माइनस 2, फिर प्लस माइनस क्या होंगे माइनस 4, तो माइनस 6, यानी कि आपका जो सेकंड डायगोनल है उसका आंसर क्या आया 6, बाकी सबका आंसर 0 है पर एक जो डायगोनल था उसका आंसर उससे मैच नहीं हुआ यानी कि वो अलग है। क्या ये मैट्रिक्स पेयर है? नो, मैंने आपको पहले बताया कि अगर एक भी आंसर मैच नहीं हुआ तो वो मैट्रिक्स पेयर नहीं कहलाएगा। इसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड
सेकंड की बात करते हैं, जिसमें फिर से हमें सारे रोज चेक करने पड़ेंगे। पहले हम रोज स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट रो ये वाले, वन प्लस माइनस टेन प्लस जीरो, तो वन प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस माइनस टेन, तो टेन माइनस वन ये नाइन, इसके माइनस क्योंकि हमारा माइनस की वैल्यू बढ़ गई। सेकेंड रो क्या है, माइनस फोर प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस टू, माइनस फोर प्लस माइनस माइनस थ्री प्लस माइनस, फिर से हमारे माइनस होंगे माइनस टू, तो फोर थ्री सेवन सेवन टू नाइन, तो माइनस नाइन। थर्ड रो की बात करते हैं, थर्ड रो में क्या है, सिक्स फोर सेवन, तो माइनस सिक्स प्लस फोर प्लस माइनस सेवन, माइनस सिक्स प्लस फोर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस सेवन, माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो माइनस थ्री थर्टी प्लस फोर, आंसर इज नाइन, इसका माइनस। यानी कि अभी तक तो आपके रोज के आंसर सबके सेम आए। अब बात करते हैं कॉलम, फर्स्ट कॉलम क्या है, वन प्लस माइनस फोर प्लस माइनस सिक्स, इसके बाद वन प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस फोर प्लस माइनस फिर से माइनस सिक्स, तो वन फोर सिक्स कितने होंगे, टेन, आंसर इज नाइन, वो भी माइनस का। सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड कॉलम ये वन, तो माइनस टेन प्लस माइनस थ्री प्लस फोर, तो माइनस टेन प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस थ्री प्लस फोर थर्टी प्लस फोर, थर्टी में से फोर माइनस करेंगे आंसर नाइन, इसका माइनस। नेक्स्ट थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम ये हमारा जीरो प्लस में माइनस कर दो प्लस माइनस सेवन, तो माइनस टू प्लस माइनस फिर से माइनस, तो माइनस नाइन। यानी कि सारे कॉलम का जो आंसर वो भी क्या आया, इक्वल आया, सबका माइनस नाइन आया। अब किसकी बारी, डायगोनल, तो फर्स्ट डायगोनल करते हैं, फर्स्ट डायगोनल ये वन प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस सेवन, वन प्लस माइनस माइनस थ्री प्लस माइनस अगेन माइनस सेवन, तो वन माइनस 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 को प्लस करेंगे तो टेन, आंसर नाइन माइनस का। सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड डायगोनल ये वाला, तो माइनस सिक्स प्लस माइनस थ्री प्लस जीरो, तो माइनस सिक्स प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस थ्री, तो आंसर इज माइनस नाइन। इसमें आपके तीनों रोज तीनों कॉलम और दोनों डायगोनल्स के आंसर क्या है, नाइन, तो इसका मतलब ये क्या है, एक मैजिक स्क्वायर है, तो आंसर होगा हमारा यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, क्वेश्चन नंबर एट, वेरीफाई करना है ए और माइनस ब्रैकेट माइनस बी इक्वल होगा किसके, ए प्लस बी के। हमें इस चीज को वेरीफाई करना है, यहाँ पर हमें ए और बी की बहुत सी वैल्यू दी हुई है, तो हमें हर एक वैल्यू को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट करते हैं, ए कितना है 21, बी कितना है 18, वेरीफाई क्या करना है, ए माइनस माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी,
21 माइनस बी कितना है 18 और उसे हम माइनस का लेंगे इज इक्वल टू ए कितना है 21 प्लस 18। अब पहले एक साइड करें बाद में दूसरा साइड करें, तो पहले हम लेफ्ट करते हैं 21 एज इज माइनस माइनस क्या होंगे प्लस 18 इधर प्लस कीजिए 8 1 9 2 1 3 39। अब सेकंड की बारी है इसमें सिंपली प्लस है तो सिंपल करेंगे 8 1 9 3 आंसर कितना है 39 प्लस सॉरी 39 इज इक्वल टू 39 यानी कि फर्स्ट में क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया। सेकंड की बात करते हैं ए कितना है 118 और बी 125 तो पहले लिखना है कि वेरीफाई क्या करना है ए माइनस माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए कितना है 118 माइनस बी कितना है 125 उसे माइनस कर लेंगे यहां पर ए 118 प्लस 125 तो यहां पर पहले ए साइड 118 माइनस माइनस प्लस 125 तो ऐड करेंगे 533 1 2 3 4 243। अब सेकंड साइड है सिंपली प्लस करना है 548 133 1 2 3 4 243 तो ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्या है ए है आपका 75 बी है आपका 84 ए माइनस माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी ए है 75 माइनस बी कितना है 84 उसे लेंगे हम माइनस में 75 प्लस 84 लेफ्ट को सॉल्व करते हैं 75 माइनस माइनस प्लस 84 549 159 सेकंड साइड करते हैं 549 8 7 15 तो 159 दोनों इक्वल है तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट फोर्थ ये हमारा ए 28 बी हमारा 11 तो लिखिए ए माइनस ब्रैकेट माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी वैल्यूज पुट कीजिए 28 माइनस माइनस 11 इक्वल टू 28 प्लस 11 28 माइनस माइनस क्या हो गए प्लस 11 तो ऐड कीजिए 8 1 9 3 39 इक्वल टू इन्हें भी ऐड कीजिए 8 1 9 3 39 ये भी क्या हो गया हमारे यहाँ पर वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए आपको साइन करना कौन सा लेसर ग्रेटर देन लेसर देन और इक्वल कि इन तीनों साइंस को आपको यूज करना है और ये जो बॉक्स आपको दिए हुए इसमें आपको फिल करना है तो पहले फर्स्ट को करते हैं। फर्स्ट क्या है माइनस 8 प्लस माइनस 4 बॉक्स माइनस 8 माइनस माइनस 4 तो जब आपको इसमें कुछ करना तो आप एक साइड सॉल्व कीजिए चाहे तो आप राइट कीजिए या फिर लेफ्ट कीजिए। मैं पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व कर दूं पहले लेफ्ट माइनस 8 प्लस माइनस क्या होगी माइनस माइनस 4 तो माइनस 8 और माइनस 4 क्या हुआ माइनस 12। अब राइट हैंड की बारी है माइनस 8 एज इट इज माइनस माइनस क्या होगी प्लस प्लस 4 तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो माइनस होगा तो माइनस 8 प्लस 4 तो क्या होगा आंसर 4 किसका माइनस का। तो अब अगर आपकी जो आंसर है वो माइनस 12 और दूसरी तरफ आपका माइनस 4 है तो कौन बड़ा है 12 या 4 अगर ये सिंपल पॉजिटिव की बात है ना
तो ऑब्वियसली हमारा 12 बड़ा होता। पर जब नेगेटिव की बात ना, तो नेगेटिव जितना छोटा होगा उतना ही वो बड़ा कहलाएगा। तो बहुत बड़ा है यहाँ पर, माइनस फोर बड़ा है। सेकेंड माइनस थ्री प्लस सेवन माइनस 19 बॉक्स 15 माइनस 8 प्लस माइनस 9। तो लेफ्ट को सॉल्व करते हैं, माइनस 3 इज एवरेज प्लस 7 और माइनस 19। पहले माइनस माइनस को प्लस कर लेंगे, तो माइनस 3 और माइनस 19 कितना हुआ, माइनस 22 प्लस 7 एवरेज 22 में 7 माइनस करेंगे 15। ठीक है, किसका प्लस का माइनस का, माइनस का
79 प्लस 51 बॉक्स माइनस 399 प्लस 129 प्लस 81। तो पहले लेफ्ट को सॉल्व करते हैं, माइनस 231 एज इट इज। 79 प्लस के, तो पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 9 1 10 1 30, तो 130 सॉरी इसको भी जो प्लस का है, तो माइनस 231 में से 130 माइनस करेंगे, 101 माइनस का 101 आया। अब सेकंड साइड की राइट साइड की बारी है, माइनस 399 एज इट इज। उसके बाद ये दोनों प्लस के, इन दोनों को हम पहले प्लस कर लेंगे, 9 1 0 6 14 240। अब माइनस 399 से 440 माइनस करेंगे, 9 5 y, तो माइनस 131। तो माइनस 101 और माइनस 131, तो कौन बड़ा है, माइनस 101। तो ये थे बच्चों आपका मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर। उसके हमने इंट्रोडक्शन समझी कि कैसे कैसे मल्टीप्लाई प्लस माइनस का यूज करते हैं। उसके बाद ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो कि अभी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे 1.2। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इतने सीख सकें। बाय बाय।